ठीक है सर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहूंगा कि आपने हमारी इस ऑनलाइन क्लास में इंटरेस्ट दिखाया और आपने ज्वाइन किया हमारी ये एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला का कोर्स। और आज हम आपके साथ जो है डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम एक्सेल का यूज करके अपने ऑफिशियल लाइफ को बेनिफिट करते हैं। ये जो कोर्स है ये डिपेंड है कि आप अपने ऑफिस में किस तरह से अपने काम को इजीली कर सकते हो बिना किसी मिस्टेक के और बिना और रिपीटेशंस को कम करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें लेनी चाहिए। बेसिकली जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ये है क्या, इसका आर्किटेक्चर क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, इसको यूज कहाँ कहाँ किस किस पर्पज से होता है, इनके बारे में एक बार आप जान लीजिए। जैसे कि आप लोगों अगर ऑफिस में यूज किए होंगे या फिर करने जा रहे होंगे तो आप लोग सोचते होंगे कि एक्सेल में काम करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूज ऑफ द एक्सेल कि किस पर्पज से यूज होता है, ठीक है, और क्यों इतना मार्केट में पॉपुलर है, इन पे एक बार नजर मार लेते हैं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज कई सारी चीजों के लिए होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा स्टोरेज। स्मॉल मिसलेनियस डेटा को स्टोर करने के लिए हम एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। अब स्मॉल और मिसलेनियस डेटा ही क्यों? बेसिकली अगर आप ऐसे नहीं है छोटे मोटे कंपनी होल्डर है तो आप पूरी की पूरी डेटा को एक्सेल में रख सकते हैं, लेकिन आप अगर लार्ज डेटा आपके पास है, जैसे कि आपके पास 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का रो का डेटा है, तो फिर एक्सेल आपके लिए ठीक नहीं है। फिर आपको कोई और सॉफ्टवेयर, कोई और डेटाबेस यूज करना है, क्योंकि एक्सेल इज नॉट ए डेटाबेस, ये एक डेटाबेस नहीं है, समझे? लेकिन डेटाबेस की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है छोटे लेवल पे। बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके पास सैस है, जिनके पास ऑरिकल है, एसक्यूएल सर्वर है, वो लोग भी एक्सेल को इस्तेमाल करते हैं डेटा स्टोरेज के लिए। लेकिन कौन सा डेटा है? मिसलेनियस। मान लीजिए कि आप टैली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो आप अपने पूरा डेटा टैली में रखते हैं, फिर भी आप एक्सेल इस्तेमाल करते हैं, क्यों? डेटा स्टोरेज के लिए। ऐसा इसलिए, जैसे मान लीजिए कि पेटी कैश का रिकॉर्ड हुआ, तो टैली में आप हर चीज के लिए लेजर तो नहीं बना सकते ना, कि आप फोटो स्टेट ने 2 रुपए का फोटो स्टेट करवाया तो उसके लिए अलग एंट्री करें, 5 रुपए की आपने क्लाइंट को चाय पिलाई उसकी आप रिकॉर्ड एंट्री करें, ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। हर दिन 10-20 लेजर क्रिएट करने पड़ जाएंगे, तो इसलिए लेजर एक ही क्रिएट होता है पेटी कैश, और एक्सेल में उसका हिसाब रखा जाता है कि हमने अगर 10,000 रुपये खर्च किए हैं ऑफिस की मिसलेनियस खर्चों में तो कौन कौन से खर्चा है, ताकि हिसाब हम दे सके। उसी तरीके से अगर अटेंडेंस है, ऐसे ही कोई टूर प्लान है, एनएसएस है, उनको उस डेटा को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं एक्सेल को, बट एक लार्ज डेटा को हम स्टोर नहीं कर सकते। अजय जी एंड विजय जी, क्लियर है सर 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 बिल्कुल सर। कि हम डेटा ऑफिस में डेटा यूज करोगे तो बड़ा सा डेटा के स्टोर, इस डेटा स्टोर का कि एक्सेल में ही डेटा रखना है, कहीं और डेटा नहीं रहेगा, ठीक है, जी इसके सर। लिए हम छोटे डेटा भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो आता है यूज वो आता है कैलकुलेशन के लिए। देखिए जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसमें कैलकुलेशन तो होता ही होता है, लेकिन फिर भी हम कैलकुलेशन के लिए एक्सेल के इस्तेमाल करते हैं, क्यों? क्योंकि अगर आपके पास जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में आपके मॉड्यूल्स फंक्शन बने होंगे, तो 20, 25, 30 फंक्शन बने हैं आपकी कैलकुलेशन के लिए, लेकिन आपके पास अगर कोई ऐसा कैलकुलेशन आ गया जिसके लिए आपके डेटाबेस में या आपके जो सॉफ्टवेयर डेटा स्टोरेज की यूज कर रहे हो है ही नहीं, तो एक्सेल उस चीज से उस समय आपको बहुत सपोर्ट करता है ताकि आप कैलकुलेशन कर सके। तो कैलकुलेशन के लिए एक्सेल का इस्तेमाल कंपनीज में होता है। तीसरा यूज होता है एनालिसिस के लिए। ऐसे एनालिसिस के लिए आर है, टैबलू है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, लेकिन क्या है कि जो सॉफ्टवेयर है ये हर किसी को ऑपरेट करना नहीं आता है, दूसरी चीज हर कंपनीज में नहीं है, और तीसरी चीज
कि हर तरह की एनालिसिस को कर पाना वहां पे मुश्किल है, डायनेमिक जो होता है वो चीजों पे। तो यहां पे आपके एक्सेल में एनालिसिस, अब एनालिसिस क्या होता है, अब एनालिसिस के बारे में, एनालिसिस के लिए हम बताऊं आपको। तो मान लीजिए कि आप जो है अपने टीम का, मान लीजिए आप एक प्रोडक्शन मैनेजर है, ठीक है, तो प्रोडक्शन मैनेजर है, तो अब कंपनी क्या करती है, हर साल पिछले साल के प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज करती है। जैसे कि पिछला साल अगर हमने प्रोडक्शन किया है 100 पीस का, तो इस साल हम खाए तो 90 पीस का करेंगे, या 95 पीस का करेंगे, या फिर 110 पीस का करेंगे। तो हाउ कैन डिसाइडेड कि हम इस साल कितने परसेंट का, डिक्रीज या इंक्रीज कर रहे हैं? हाँ, इंक्रीजमेंट जो है प्रोडक्शन में इंक्रीज या डिक्रीजमेंट करेंगे। आप ऐसे तो नहीं करोगे ना, पता चले कि मार्केट पिछले साल से इस साल का मार्केट बहुत ज्यादा है, तो आप आपने कम प्रोडक्शन किया तो आपका ज्यादा हो गया। तो वो कई सारे एनालिसिस को करते हैं। सबसे पहले करते हैं कि स्टोरेज, कि पिछले अभी तक हमारे पास स्टॉक में स्टोरेज कितना है, फिर स्टोरेज कैपेसिटी कि हम कितना स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए ना कि मेरी स्टोरेज कैपेसिटी जो है 120 पीस की है, और मैं 150 पीस का ये कर रहा हूं, प्रोडक्शन कर रहा हूं, तो मैं फिर 30 30 पीस में कहाँ रखूंगा, कहाँ स्टोर करूंगा। तो स्टोरेज कैपेसिटी को भी देखना पड़ेगा, सेल्स को देखना पड़ेगा कि पिछले 5 सालों में सेल्स कितना कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है। फिर हमारा मैन पावर देखना होगा कि हमारा मैन पावर कितना है, कि क्या हम 150 पीस को प्रोडक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर हमारा इस पे होने वाले खर्चे को एनालाइज करना पड़ेगा, क्या इतने रॉ मटेरियल है, इतने रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने पे क्या इसके लिए हमारे अकाउंट में सफिशियंट मनी है या नहीं है। तो हर एंगल से उसको एनालाइज करके एक रिपोर्ट तैयार करेगा, और मैनेजर उस रिपोर्ट को देखेगा और देख के फिर डिसीजन लेगा। दैट इज एनालिसिस। आप लोग क्राइम पेट्रोल देखते हैं? विजय जी, नहीं नहीं, सर, कभी क्राइम पेट्रोल, कभी देख लेते हैं सर। क्राइम पेट्रोल में जैसे कि होता है क्या है कि आपके मोबाइल नंबर से किसी मुजरिम को ट्रेस करते हैं, वो भी एक एनालिसिस है। जैसे कुछ दिन पहले ऐसा हमने करते हैं। देखा था कि एक मर्डर का सीन बताया, एक मर्डर का केस चल रहा था, ठीक है, उस मर्डर का कोई क्लू नहीं था। तो उसने क्या किया कि जिस समय जो ये था, मतलब जिसका मर्डर हुआ था, उसका मोबाइल नंबर जहां पे एक्टिव था, ठीक है, मोबाइल नंबर जहां पे एक्टिव था, उस मोबाइल उसके साथ वहां वहीं पे 10 और नंबर एक्टिव थे। उस 10 नंबर में से अलग अलग जगहों पे कॉल गया हुआ था। तो उसी समय एक कॉल जो है गया था एक जेल में, तिहाड़ जेल में, ठीक है, और फिर तिहाड़ जेल से उसी नंबर से एक कॉल और आया था जहां पे वो विक्टिम था, उससे 10 किलोमीटर की दूरी पे। और फिर वो 10 किलोमीटर के दूरी वाला नंबर जो है फिर उसी नंबर को, उसी नंबर के टावर को टच किया था जहां पे उसका डेथ हुआ था। समझे, मैं समझाता हूं। चलिए, ये भी एक एनालिसिस है सर, कि एक नंबर एक्टिव था उसी के साथ, मतलब कि एक जो ये आ गया सस्पेक्ट, सॉरी सस्पेक्ट नहीं, मतलब कि ये आ गया जिसका खून हुआ है, ठीक है, इसके साथ उस जगह पे 10 नंबर एक्टिव थे। भाई सर, ओके सर। अब ये नहीं कह सकते 10 खूनी है, लेकिन इस 10 में से एक नंबर का कॉल चला गया तिहाड़ जेल में। अब मान लीजिए कि ये बिहार का, बिहार के लोकेशन की बात हो रही है, ठीक है, और ये दिल्ली में, तिहाड़ जेल दिल्ली में आया, फिर तिहाड़ जेल दिल्ली से बिहार के दूसरे एरिया में जो कि यहां से 10 किलोमीटर की दूरी है जहां पे सस्पेक्ट है, वहां पे एक नंबर को कॉल गया था, ठीक है, और फिर वो नंबर कॉल कटने के बाद ट्रेवल करते हुए उसी एरिया में जाता है जहां पे सस्पेक्ट का खून हुआ है।
समझ गए? तो फटाक से इस अच्छा नंबर को धर पकड़ता है कौन? पुलिस। और फिर बोलता है कि पुलिस तूने तिहाड़ जेल में किसको कॉल किया? और तिहाड़ जेल में बैठा आदमी जो है एक बहुत ही रिप्यूटेड पर्सन है, वो इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उसने इसको इंटरोगेट किया तो बताया है कि हमने उनको खबर दी कि फलाना पर्सन यहां पर है। उस जो क्रिमिनल था, उस क्रिमिनल ने वापस जो है किसको, खूनी को एक खूनी को, एक क्राइम जो क्या बोलते हैं, जो क्राइम करता है क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्टर, उसको कॉल किया कि भाई 10 मिनट के अंदर में जाओ और ये पर्सन वहां पर है, उसका मर्डर कर, तुमको इतना लाख रुपया मिलेगा। वो जाता है मर्डर। तो ये 10 नंबर को निकालने के लिए उस टावर के 2.5 लाख नंबर को एनालाइज किया गया था। एक टावर के अंदर हर सेकेंड में एवरेज 10,000 नंबर एक्टिव होते हैं। अगर वो एरिया भीड़भाड़ वाला है, मार्केट का एरिया है, तो 10,000 से वो लाख तक भी जा सकता है, क्योंकि एक टावर का रेडियस 10 किलोमीटर का होता है, 5 से 10 किलोमीटर का रेडियस होता है। तो उसने कंगाला कि उसने जिससे मर्डर हुआ था उस समय के आधे घंटे को कंगाला, मतलब कि 2.5 लाख नंबर को कंगाला और कंगाल के इस लिंक निकाला और वो केस को सॉल्व। अच्छा तो दिस इज द ऑल्सो एनालिसिस, समझ गए? तो एनालिसिस वर्ड से घबराना नहीं है। एनालिसिस समझ में आ गया ना आपको कि एनालिसिस क्या करता है? पूरे देख करके फिर उसमें से कुछ निकालना एनालिसिस होता है कि रिपोर्ट में। हाँ, कि हर पॉसिबिलिटी को समराइज करना, और समराइज करने के बाद उसको आपस में कंपेयरिंग करना। 2.5 लाख नंबर को समराइज करके और उससे रिलेटेड कंपेयरिंग निकाल के, समरी तो निकाल के दिया ना, 10 समरी निकाल के दिया। 2.5 लाख नंबर में से 10 नंबर जो कि जिस समय हुआ था उस समय एक्टिव थे, एट ए टाइम जहां पे वो मोबाइल एक्टिव था। ठीक है, वहां से कॉल गया, फिर वहां से कॉल से फिर उसकी लोकेशन ट्रेस की गई, ये सारी चीजों का किया गया। तो एक रिपोर्ट निकल गया, फिर उसको इंटीग्रेट किया गया तो उसका रिजल्ट आ गया। तो सेम थिंग एनालिसिस। तो हम एक्सेल से एनालिसिस का काम करते हैं। तीसरा काम जो होता है वो एनालिसिस का होता है। अब बात करते हैं चौथे यूज का। चौथा यूज जो है वो यूज है एक्सेल का प्रेजेंटेशंस, रिपोर्टिंग, डैशबोर्ड, MIS जो कह लीजिए। मतलब कि आपने एक एनालिसिस बनाया और बनाने के बाद उसको प्रेजेंट किया थ्रू द एक्सेल। इसमें आपने ग्राफिकल, करैक्टर एंड फॉर्मूला हर चीज का इस्तेमाल किया ताकि बंदा आगे समझ सके, जिसको हम रिपोर्ट कह सकते हैं। समझे? क्योंकि आप किसी को भेजेंगे तो एक रिपोर्ट बना के भेजेंगे ना, सर ऐसे तो बना के नहीं भेजेंगे ना। उसके पीछे उसका सपोर्टिंग डेटा होना चाहिए हर एक चीज के लिए। तो उस रिपोर्ट को तैयार करते हैं एक्सेल से। मोस्टली हम एक्सेल में ही तैयार करते हैं। अगर हम किसी और जगह भी तैयार करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो एक्सेल पे आए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि चौथा चौथा पांचवा जो यूज है वो सबसे ज्यादा बेनिफिट है। उसको बोलते हैं शेयरिंग। मतलब कि अगर आप अपना रिपोर्ट, अपना एनालिसिस, अपना डेटा किसी को शेयर करना चाहते हैं तो आपका प्रेफरेंस क्या होता है कि आप एक्सेल फाइल भेजें। क्यों? हाँ क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सेल फाइल को पर्सन कहीं न कहीं ओपन कर लेगा। पीडीएफ में भेजेंगे, हो सकता है कि पीडीएफ ना देख पाए या पीडीएफ रीडर ना हो, या टैबलू, अब और भी बहुत सारे नोट फाइल होता है उसमें उठा के भेजूंगा, तो वो सॉफ्टवेयर उसके पास होना चाहिए। लेकिन एक्सेल हम जानते हैं कि हर जगह पे होगा। अगर एक्सेल नहीं हुआ तो एक्सेल क्या बोलते हैं, ओपन ORG होगा या एक्सेल व्यूअर होगा। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो वो गूगल शीट से उसको ओपन करके देख सकता है।
मतलब कि अगर हम मेल कर रहे हैं तो उसके पास वो फाइल, उसको ओपन करने का तरीका होगा ही होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया एक्सेल का क्यों इस्तेमाल होता यस सर। है? यस सर। अब बात करते हैं आर्किटेक्चर ऑफ द एक्सेल की। तो एक्सेल का जो आर्किटेक्चर है वो, उसको हम कह सकते हैं कि एक स्प्योर शीट है, मतलब एक रजिस्टर है। अगर एक्सेल को हटा दे, एक कंप्यूटर हटा दे, तो एक्सेल के सारे काम कहाँ करते हैं? हम करते हैं रजिस्टर पे। तो एक तरह से डिजिटल रजिस्टर है, लेकिन इसमें एक एड्रेसिंग सिस्टम है। जैसे कि देखिए यहां पे दिख रहा है आपको कि हर एक कॉलम है और हर एक रो है। हर कॉलम का एक नेम है जिसको हम अल्फाबेटिक एबीसीडी में देख जानते हैं, और हर रो का एक नंबर है जिसको 1 2 3 में जानते हैं। और जहां पे हम सेल, जहां पे हम डेटा की एंट्री करते हैं, उसको सेल कहा जाता है जिसका एक एड्रेस होता है। जैसे कि B2 मतलब B2 एड्रेस कॉलम एंड 2 रो। अब बताएंगे कि प्रोग्रामर ने ये एड्रेसिंग सिस्टम क्यों किया। हर सेल का एक एड्रेस क्यों बनाया? क्योंकि अब एड्रेस ना होने पे क्या दिक्कत है? आप एमएस एक्सेस को देख लें, आप एक सिक्कोल को देख लें, वहां पे आप किसी एक पर्टिकुलर कॉलम रो को सेल नहीं कर सकते, वो कॉलम के हिसाब से चलता है, क्योंकि उसमें एक सेल का एड्रेस नहीं होता। लेकिन यहाँ पे एक सेल का एड्रेस है। सेल का एड्रेस हुआ है लिंकिंग के लिए, कैलकुलेशन के लिए, लिंक के लिए। मतलब कि अगर मैं इन दोनों को सम करूं तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 41 प्लस 60, और यहां रिजल्ट हमें आ जाएगा। लेकिन अगर मैं लिखूं B2, मतलब कि B2 की वैल्यू प्लस C2 की वैल्यू। B2 क्या है? एड्रेस है सेल का। कैसे? B रो B कॉलन एंड 2 रो कॉल्ड B2, C रो एंड C2 कॉल्ड C2। ये आपका आ गया C2। ठीक है, अब इसका फर्क क्या होगा कि जैसे मैं यहां पे एंटर मारूंगा, ये अपने आप को चेंज कर लेगा। ये सिर्फ फॉर्मूला कैलकुलेशन नहीं, आप पिवट टेबल लगाओगे तो पिवट टेबल को भी एक एरिया का एड्रेस चाहिए, आप फिल्टर लगाओगे, सॉर्टिंग लगाओगे, सबको एक एरिया का एड्रेस चाहिए। इसलिए एड्रेसिंग सिस्टम को बनाया गया, ताकि वो एड्रेसिंग सिस्टम पे काम कर सके। समझ गए? और यस सर, एड्रेस यस सर। जो है वो चेंज होते रहते हैं। मतलब कि जैसे कि अभी बात कर लेते हैं कि ये B2 है, हमने डायरेक्ट लिख दिया B2। क्यों? क्योंकि तो हम जिस सीट पे कर रहे हैं उस सीट का रेफरेंस ले रहे हैं। अगर हम रेफरेंस ले किसका, C1 का, तो यहां पे देखिए, यहां लिखा आएगा C1 D9। अगर मैं C1 हटा दू, सिर्फ D9 लू, तो फिर वो इसी सीट का D9 का डेटा लेगा। तो किसी अनदर सीट पे तो फिर उसका रेफरेंस देना पड़ेगा। अनोदर वर्कबुक में है तो सीट क्या आएगी, उसका वर्कबुक आ जाएगा। जैसे कि अगर आपसे मैं, आप दिल्ली में हैं और मैं भी दिल्ली में हूं, तो आपसे मैं पूछूंगा आप कहाँ रहते हैं, तो आप बोलेंगे कि मैं मंगोलपुरी में रहता हूँ, बुराड़ी मैं बुरारी रहता हूँ, वगैरह वगैरह। आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि मैं इंडिया देश के दिल्ली स्टेट के बुराड़ी में रहता हूँ, ऐसा तो नहीं बोलेंगे क्या? लेकिन अगर मैं यस आपसे मुंबई में पूछूं, मुंबई में आप आए और मैं भी मुंबई में आऊं, मैं पूछूं आप कहाँ रहते हैं, तो आप बुराड़ी नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे कि दिल्ली के अंदर बुराड़ी में रहता हूं। क्या अगर आपने बुराड़ी वहां पे बोला तो क्या होगा? मैं सोचूंगा जी कि सर, बिल्कुल मुंबई के अंदर कोई बुराड़ी होगा, क्योंकि मोस्टली नेम होते नहीं। जैसे मान लीजिए आदर्श नगर, आदर्श नगर दिल्ली में भी होगा, मुंबई में भी होगा कि नहीं? कहीं जी। तो उसी तरह से अगर हम देश से बाहर, इंडिया से बाहर मिलेंगे, तो मैं आपसे पूछूंगा कहाँ रहते हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैं बुराड़ी रहता हूँ, चाहे बोलेंगे दिल्ली में बुराड़ी रहता हूँ, आप बोलेंगे कि इंडिया, इंडिया में, इंडिया से, इंडिया में दिल्ली के अंदर बुराड़ी में रहता हूँ। तो
सेम थिंग दैट कि अगर एड्रेस सेम सीट पे, ए वीवीए में भी कंसेप्ट सेम है, वीवीए में एड्रेसिंग कंसेप्ट जो सेम है कि अगर आप सेम सीट पे वर्क करते हो तो सीट नेम नहीं देते हैं, दे सकते हो, ऐसा नहीं कि बाउंडेशन कि आप नहीं दोगे, बट देने की जरूरत नहीं पड़ती। बट अनदर शीट से अनदर सीट में करते हो तो फिर आपको सीट रेफरेंस देना है, और सेम अनदर फाइल टू अनदर फाइल तो आपको सीट फाइल सीट और रेफरेंस तीनों देने पड़ते ठीक है। अब बात करते हैं यहां पे कि इसकी लिमिटेशंस के बारे में, किसकी लिमिटेशन क्या है एंड शॉर्टकट्स के बारे में। देखिए अगर एक्सेल से रिलेटेड कुछ भी चीजें सर्च करनी हो तो मैं सलाह देता हूं कि आप एक्सेल हेल्प पे चले जाए, जैसे कि मैंने यहां पे लिमिट सर्च की। तो गेट हेल्प ऑन लिमिट हमने क्लिक, एक्सेलिफिकेशन लिमिट आ गया। ये एक्सेल का एक तरह से यूजर मैनुअल कह सकते हो। आप लोग मोबाइल फोन यूज करते हो, खरीदते हो, उसके साथ उसका एक किताब आता है ना, यूजर मैनुअल, कोई यस सर, फीचर्स आपको समझ में, शुरुआत में जब हम मोबाइल नए नए यूज करते थे तो नहीं कुछ समझ में आता था, तो हम लोग यूजर मैनुअल देखते थे क्या किससे कैसे होगा, तो ये भी एक तरह का यूजर मैनुअल ही है ठीक है। इसमें आपको एक्सेल की सारी लिमिटेशन है, तो आपको क्या करना है इस लिमिटेशन को पढ़ना है, कैसे निकालना है एक्सेल हेल्प। अगर आपके सामने ये इस तरह का आइकन ना है तो F1 का आइकन होगा, आप F1 प्रेस कीजिएगा, वो क्वेश्चन मार्क का आइकन आता है, F1 प्रेस कीजिएगा ठीक है। तो आपको जो ओके है यहां पे क्या पढ़ना है, एक्सेल लिमिट्स को एक बार पढ़ना है, लिमिटेड और उसके बाद आपको पढ़ना है शॉर्टकट को, शॉर्टकट। तो शॉर्टकट में आपको एक कीवर्ड शॉर्टकट की यहां पे सेम सर्च करोगे सर्च बार में तो आपको शॉर्टकट ही हो जाएगा। तो आप एक बार इन दोनों को स्टडी कर ले ठीक है। और कल मैंने जो लिंक भेजा था उसको देखा था आपने,